Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Forward Studies. My name is Shanu Alawat and I hope you all are doing well. So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें मैक्सिमम जो जॉब है हमारी लाइब्रेरी फील्ड में उसमें आपको बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस मांगा जाएगा. तो एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी जॉब को करने के लिए लाइब्रेरी में, वो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस भी कह सकते हैं आप, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं. बट एक जो आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नॉर्मल, जैसे अगर आप स्कूल लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उसकी हायर पोस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अगर आप चाहते हैं कि आप लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो वहां आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हो जाता है कि आपके पास जो होना चाहिए मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री भी आपके पास हो. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस है वो आप कहाँ से करें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कहाँ से करना ज़्यादा बेहतर है. नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं या फिर जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं और वो साथ के साथ अब चाहते हैं कि हमारी जो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है वो हमें मिल जाए, तो दे कैन गो फॉर इग्नू. ठीक है, वो इग्नू से कर सकते हैं. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने लाइब्रेरी साइंस इग्नू से किया है तो अब मुझे ये मालूम हो चुका है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना है. अब जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहाँ चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको बाद में ही शो करनी पड़ेगी जब आपकी मेरिट में नाम आ जाएगा, तो आप बाद में उसको जब काम करना शुरू करेंगे तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, अब जैसे कि जो हमारा केवीएस है, केवीएस में जो भी बच्चे सेलेक्टेड होंगे उनका एक इंटरव्यू होगा और उसी में एक स्किल टेस्ट भी होगा. ठीक है, तो वहां पे हमारी जो नॉलेज है वो टेस्ट की जाएगी. तो इसके साथ साथ अगर आपने जो लोग जिन्होंने इग्नू से की है वो ये अच्छे से जानते होंगे कि अगर उन्होंने कोरोना टाइम में किया है तो उनको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ के अपना थ्योरी बेस्ड एग्जाम दिया है और उसी के बिहाफ पे उनको मार्कशीट मिल चुकी है, अपनी उनकी डिग्री आ गई है. ठीक है, लेकिन अगर किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स है उसको कंप्लीट किया है, तो वो ये चाहेगा कि मैं मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कर लूँ. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आप इग्नू से करें या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें. ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे वर्किंग है तो डेफिनेटली आप इग्नू को चूज कर लीजिए. बट अगर आप ये चाहते हैं कि मैं रेगुलरली पढ़ाई करके और थोड़ा एक प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करूं या फिर मुझे कुछ नॉलेज मिले, तो आपको डेफिनेटली DU से जो लाइब्रेरी कोर्स है मास्टर्स का वो करना चाहिए. आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम यही बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स कैसे कर सकते हैं, वहाँ एडमिशन कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन का, इसी के साथ साथ क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने एक पेज पे लिख लिया है, नोट डाउन किया है. वो ये है कि जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, DU से मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फॉर्म फिल कब होते हैं या फिर फॉर्म फिल कैसे किया जाता है. इफ़ यू वॉन्ट तो मैं इसमें भी एक वीडियो डाल दूंगी, अदरवाइज ऐसी इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी अगर फॉर्म फिल किए हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर ही है फॉर्म फिल करने का. ऑनलाइन इसके फॉर्म फिल होते हैं, आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना पड़ेगा. इसी के साथ साथ उसके बाद अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो सिलेक्शन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मतलब आपका मेरिट में नाम आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट होता है या मेरिट बेस्ड होता है. डेफिनेटली आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी. ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, फीस कितनी है या फिर नंबर ऑफ सीट्स कितना है आपका DU में, उन सब के बारे में बात करेंगे. इंटर्नशिप के बारे में या फिर जो आपके कैरियर आउटकम्स क्या निकल के आएंगे आपके लिए, यानी कि अगर आप मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस करते हैं तो उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएंगी, तो वो
किस किस फील्ड में आप जॉब को देख सकते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो ये कि आपके लिए कि अगर आप मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर, तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आपने बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स किया हो विद 50%, ठीक है, आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका एलिजिबिलिटी हो गया। फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो फॉर्म आपका होगा ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। इसी के साथ मैं बात करूं तो ये आपका फीस जो फॉर्म फिल करने की होती है वो जनरल की होती है आपका 800, EWS OBC के लिए होता है आपका 600, और SC ST और PH वगैरह के लिए, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के लिए होता है आपका 550, ठीक है। जो अभी जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बता रही हूँ। नॉन रिफंडेबल होता है डेफिनेटली ये फीस। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको इसकी फॉर्म की डेट बताऊं तो अभी जो है ये प्रोसीजर चल रहा है फॉर्म फिल होने का, जो 20 मार्च से शुरू हो चुका है और 19th of April तक ये चलेगा, ठीक है। डेट एक्सटेंड होती है तो वो आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी यही इसकी डेट है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आप कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम यानी कि CBT बेस्ड होगा, पहली बात, ऑनलाइन ही होगा वो भी, और उसी की उसमें जो आप स्कोर करेंगे उसी के मेरिट के हिसाब से अगर आप कट ऑफ को टच कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये आपको 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ऑनलाइन होता है डेफिनेटली, CBT बेस्ड, और 100 मार्क्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिवाइडेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट है उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और जो सेकंड पार्ट होता है उसी में आपका सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो नंबर ऑफ सीट आपका 45 प्लस कह लीजिए या 46 सीट आपको देखने को मिल सकती हैं यहां पर। ड्यूरेशन इसका एक साल का होता है, दो सेमेस्टर होते हैं आपके, और फीस आपकी मिनिमम 10,000 और जो मैक्सिमम होती है वो 15,000 तक रहेगी। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो जाने वाली है, क्योंकि ये एक मतलब होता है ना रफ जो आइडिया रहता है इतना ही रहता है वो, ठीक है। मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम फीस मुझे लगता नहीं है हो पाएगी, फिर भी 1 or 2 के अराउंड अगर ऊपर नीचे होता है तो वो आपको कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने अगर MLib कर ली है तो अब आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आप बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल देखते होंगे जिनमें आपको मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस मांगा है, ठीक है। उसके साथ साथ मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस करके आप नेट क्लियर कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप JRF निकाल सकते हैं अपना, जिसमें कि आपको आगे PhD करने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है अच्छी खासी, तो वो एक अलग पोर्शन है। उसमें ये होगा कि इफ यू वांट टू गो फॉर PhD तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी एक अच्छी खासी, और आप आराम से मतलब पेड हो जाता है उसमें, आपको एक अमाउंट अच्छा खासा आई थिंक 40 प्लस मिलता है PhD में, जितना मेरा आइडिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आप JRF निकालते हैं तो ठीक है, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या रह सकती हैं। जॉब्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि आप कौन कौन से फील्ड में मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस करने के बाद में आप जॉब कहाँ देख सकते हैं, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका डेप्यूटी लाइब्रेरियन हो गया, ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन कह सकते हैं आप, कॉलेज में होता है, लेवल 10 की जॉब होती है, ठीक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स लाइब्रेरियन, अकेडमिक लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरियन, और इसके साथ साथ एक टीचर लाइब्रेरियन जो होता है आपका, जिसके लिए जैसे DSSB में आप देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ जो आप मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस करने के बाद इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इंटर्नशिप के बारे में आपने सुना होगा, जब आप DU से मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस करेंगे तो आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, ठीक है, और वो पेड होती है, ठीक है, पेड होती है वो अराउंड 6-7,000 अराउंड आपको पे किया जाता है, आई थिंक 7.5 or 8 हो सकता है इसमें, मैं श्योर नहीं हूँ, बट इतना होता है, पेड होती है आपकी जो
इंटर्नशिप होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, फीस कितनी हो सकती है, या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, इसको करने के बाद आप नेट क्लियर कर सकते हैं राइट, तो इसके साथ साथ JRF निकाल सकते हैं, PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप, इसके बाद सीधा सीधा अगर आप नेट निकाल के मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस करके आप नेट निकाल लेते हैं तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में शेयर किया है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर सकते हैं, इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।